आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ सूजी का ज़बरदस्त स्वादिष्ट हलवा। बिल्कुल इजी है। देखिए, इंग्रेडिएंट्स मैंने ले लिए हैं: चीनी, सूजी हाफ कटोरी, और चीनी भी हाफ कटोरी लिया है। ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए: काजू, बादाम, किशमिश और इलायची। इलायची को आप ऐसे क्रश कर दीजिए। देखिए मैं कैसे क्रश कर रही हूँ। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इलायची का पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से क्रश करके डालोगे तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर उभर के आएगा। आगे का प्रोसेस आप देखते जाइए। देखिए मैंने क्रश कर लिया है ऑलमोस्ट। अब मैं ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा घी में फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ड्राई रोस्ट। देखिए घी मेरा गरम हो चुका है, मैंने पहले से ही घी इसमें डाल के गरम कर लिया था, और अभी मैं ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं लिया है, कम ही ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने। देखिए इसको हल्का सा ये ब्राउनिश कलर हो जाए, फिर मैं उसको उतार रही हूँ। देखिए इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया एक प्लेट में। देखिए अब मैं इसी में सूजी को डाल दूँगी। ये देखिए इस स्टेज में मैं कुछ नहीं डालूँगी अभी, इसको ब्राउन होने तक हम चलाते रहेंगे। इसको चलाने में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, ये अच्छी तरह से भुनी हुई होनी चाहिए, यही स्टेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वरना आप जितना भी मेहनत कर लो, अगर आप इस समय जल्दबाजी करोगे तो आपकी जो सूजी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, सब मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको चलाते रहना है इस वक्त सूजी को। एक सीक्रेट है जो कि मैं बता रही हूँ, ये देखिए इसमें 1.5 टीस्पून के करीब मैंने बेसन ऐड किया। देखिए इससे जो टेक्सचर है ना सूजी का वो ज़बरदस्त आएगा। आप एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा, ये टॉप सीक्रेट है जो कि मैंने आपके साथ आज शेयर किया। देखिएगा इस तरह से बना के, और इसको लगातार चलाते रहना है ऐसे। देखिए इस तरह से आपका कलर हो जाएगा और खुशबू भी पूरे घर में फैल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि सूजी अच्छे से भुन चुकी है। अभी मैं इसमें सूजी के बराबर के सूजी मैंने जैसे एक कटोरी लिया था, तो मुझे 3 कटोरी पानी इसमें ऐड करना है। देखिए उसी कटोरी से मैं 3 कटोरी पानी ऐड करूँगी। देखिए और थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी 3 कटोरी के करीब, और इसको ऐसे चलाते रहना है। इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ जाएगा। देखिए और मैंने पानी 3 कटोरी के करीब माप के डाल दिया। जितनी आपकी सूजी है 1 कटोरी, तो आप उसका 3 गुना पानी ऐड कर दो। कम पानी नहीं डालना है इसमें, जितना आपका है मेज़रमेंट। अगर 2 कटोरी ले रहे हो तो आपको उसी अनुसार पानी ऐड करना है, 6 कटोरी के करीब। देखिए इसको लगातार ऐसे ही चलाते रहना है, नीचे लग ना जाए, बीच बीच में इसको चलाते रहिए। देखिए इस तरह से आपकी कंसिस्टेंसी बनने लगेगी। जो बबल्स आने शुरू हो गए इसका मतलब ये आधी पक चुकी है। अब देखिए आगे का प्रोसेस। मेरे पूरे घर में सूजी की महक पूरे घर में फैल गई है, बहुत ही स्वादिष्ट बन रही है। देखिए इस समय मैंने भूनते टाइम ही अलग से मैंने ड्राई फ्रूट जो रोस्ट करके रखे हुए थे उसको मैंने काट लिया, और इस समय मैंने ऐड कर दिया है। देखिए इलायची का छिलका, इलायची जो मैंने क्रश करके रखा था आप ही के सामने किया था, उसको मैंने ये भी डाल दिया। इसको चलाते रहना है। देखिए देखिए ये बहुत ही थिक हो जाएगी लास्ट में। देखिएगा जब मैं सर्व करूँगी तब इसका थिकनेस देखिएगा। अभी ये थोड़ा सा बाकी है होने में। देखिए धीरे धीरे करके थिक हो रही है। अब मैं इसी स्टेज में मैं चीनी ऐड करूँगी। देखिए मैं चीनी ऐड कर दिया उसी 1 कटोरी के माप से। जितना आप सूजी लोगे उतना आप चीनी ले लेना। इससे क्या होगा, आपका जो मेज़रमेंट है वो सही रहेगा, और इधर उधर आपका कम ज़्यादा मीठा वो सब कुछ नहीं होगा। आप माप से बनाइएगा तो ज़बरदस्त बनेगा। कभी कभी अंदाजे से हम लोग कम ज़्यादा हो जाता है, तो अगर आप मेज़रमेंट करके डालोगे तो सब कुछ इक्वल क्वांटिटी में होगा।
देखिए इस तरह से आपकी थिकनेस हो जाएगी। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ, देखिए मैंने सर्व कर दिया। कैसा लगा आपको, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना मेरे इस चैनल को अगर पसंद आए तो। बाय बाय।